राजकोट रियासत की स्थापना सन 1608 में विभाजी जाडेजा ने की थी। लाखाजीराज राजकोट के 13वें शासक थे। रियासत में 65 गांव थे। राजकोट का नाम राजू संधि पर से राजकोट विभाजी ने रखा था। लाखाजीराज राजकुमार कॉलेज में राजकोट में पढ़े और बाद में देहरादून में इंपीरियल कैडेट कोर में 2 साल की लश्करी तालीम ली थी। लाखाजीराज बड़े उदार और मानवतावादी शासक थे, इसलिए लोग उसे रैयत राज और प्रजावत्सल राज भी के नाम से जानते हैं। क्रिकेट उसका प्रिय खेल रहा था और संगीत में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। विक्रम संवत का उपयोग शुरू करवाया था। पिता बावाजी राज जैसे ही उन्होंने भी अपने ही प्रजाजनों को नौकरी में रखने का नियम बनवाया था। लाखाजी राज दीर्घद्रष्टा थे और समय से आगे की बात सोचते थे। तब उसने सारदा एक्ट के पहले सन 1913 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून लागू किया। लाखाजी राज हर दिन हजूर बंगले से गरीब निराधार और विधवाओं को मदद करते थे। उन्होंने सन 1908 में कानून बनाया कि कृष्णपरा के सिवा कहीं भी वेश्या बस नहीं सकती। हर वेश्या को हर साल शारीरिक योग्यता का प्रमाण पत्र लेना पड़ता था और हर सप्ताह में डॉक्टरी जांच करवानी पड़ती थी। रोग दिखते ही उसकी मान्यता रद्द की जाती थी। रियासत में सन 1908 में बॉम्बे बैंक से जुड़ी इंडियन स्पेसी बैंक खुलवाई। सन 1910 में स्टेट बैंक और 1915 में किसान बैंक शुरू की थी। राजकोट से बेटी गांव तक ट्रामवे चलवाई और राजकोट शहर में DKP मोटर सर्विस शुरू की थी। आठकोट के बीच बस सर्विस चलती थी। लाखाजी राज साल में 1 माह गांव में घूमते थे और खेत और कुएं की जांच करते थे। किसानों को उन्होंने किलोस्कर कंपनी के 600 हल दिए थे। रियासत में जबरदस्ती से कराए जाने वाला काम बंद करवाया था। मॉडल फार्म खेतीबाड़ी विभाग की स्थापना की थी। युवराज धर्मेंद्र सिंह जी के जन्मदिन की खुशहाली में गौवध पर प्रतिबंध रखा और गौवध करने वालों को 6 माह की सजा और 200 रुपयों का दंड किया जाता था। जब अन्य रियासतों में स्त्री ग्रंथालय खुले नहीं थे, तब सबसे प्रथम काठियावाड़ में स्त्री ग्रंथालय शुरू करवाया। हलिंडा में औद्योगिक स्कूल शुरू की। दलितों के लिए सर्वप्रथम हरिजन स्कूल शुरू करके सब रियासतों को अचंभे में रख दिए। राजकोट में प्लेग आया, तब उसने अपने राजमहल में से मच्छरदानी मंगवा कर हॉस्पिटल में लगवाई थी और हाफ कीन का टीका लगवाए थे। लोगों को राजकाज में सम्मिलित करने के लिए उन्होंने 1924 में चुनाव वाली प्रजा प्रतिनिधि सभा शुरू करके लोकशाही विचारों के वांकानेर के राजवी अमर सिंह जी के बाद के पुरस्कर्ता बने। प्रजा प्रतिनिधि सभा में 90 सभ्य रखे थे, उसमें 2 औरत थी। उसमें सबसे पहले डॉक्टर दाहीबेन त्रिवेदी और सीता बहन चुनाव जीती थी। राजकोट में गांधी जी को राष्ट्रीय शाला की स्थापना के लिए लाखाजी राज ने 94 वार जमीन दी थी। कोई भी रियासत काठियावाड़ में राजकीय परिषद को योजने की परवानगी नहीं देती थी, तब उन्होंने राजकोट में ये परवानगी दी थी। तब लाखाजी राज बोले थे, मैं शासक और लोगों के बीच का संबंध ज़्यादा दृढ़ बने ऐसा चाहता हूँ। गांधी जी ने लाखाजी राज के उदार मतवादी विचार से बड़े खुश होकर परिषद को जन्म से ही जीवित दान देने वाले लाखाजी राज का काठियावाड़ राजकीय परिषद के 3रे भावनगर के अधिवेशन में बहुमान किया था।